बाएं में के हुआ स्टूडेंट्स, ये हम फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर था आपका उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। आज थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जो हमारे वीडियो बनते हैं वो आप तक एकदम पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही है, ऊपर सीधे वर्टिकली फॉल कर रही है। ड्रॉ डिस्टेंट टाइम ग्राफ, हमने डिस्टेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है विद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हुए, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ इन तीनों ग्राफ को ड्रॉ करना है। कोई सा एक आ सकता है एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त मार्क कर दिया इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट में। देखिए आप कैसे होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। लेट एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, एक ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल कर रही है वर्टिकली, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी जी, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा, और वो कहाँ को होता है जी, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे को लगता है, नीचे को, सीधा नीचे को, जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू होगी, क्योंकि आपने जो है फ्रीली फ्रीली फॉलिंग है, फ्रीली का मतलब हो गया जब भी फ्रीली फॉलिंग हो तो इनिशियल वेलोसिटी जो यू होती है वो जीरो होगी, आपने ऐसे पकड़ के इस टाइप से छोड़ दिया, तो जैसे आप छोड़ोगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। और वे जैसे किसी भी न्यूमेरिकल में फ्रीली फॉलिंग दिया हो, फ्रीली फॉलिंग तो यू इक्वल टू जीरो, और फ्रीली फॉलिंग है तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के अंदर जो है मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो ठीक हो गया, यू जी जीरो हो गया। फर्स्ट नंबर पे भी ऑब्जर्व डिस्टेंस एंड वेलोसिटी आफ्टर 1, 2, 3 सेकेंड, मतलब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे, डिफरेंट डिस्टेंस 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद डिस्टेंस निकालेंगे, और ऐसे ही 1, 2, 3 सेकेंड के बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की, तो पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम फॉर 1 सेकेंड। फार्मूला होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे को मोशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया है, ऊपर से नीचे को, अगर नीचे से ऊपर को होता मोशन तो हम यहाँ लगाते क्या, माइनस। क्लियर बात, ऊपर से नीचे को है इस समय तो प्लस लगा रखा है, और वैसे फार्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमने a की जगह g कर रखा है, s की जगह h। जब वर्टिकल मोशन हवा में स्टेप से होता है तो हमने आपको कल बताया था कि h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फार्मूला लगता है, तो ये जो t है इसकी जगह तो 1 आ गया, u तो 0 ही है। ठीक है, और ये जो t स्क्वायर है 1 स्क्वायर हो गया, तो हाफ जी हो गया, हाफ जी, हाफ जी का मतलब 0.5 g मीटर, 0.5 g आ गया। अब फॉर कितने के लिए निकाल लिया, 2 सेकेंड, यही फार्मूला लगाया, ut तो बेकार ही है क्योंकि u 0 है ना, तो 0 × 2 प्लस हाफ जी, 2 का स्क्वायर यानी आ गया 2 g मीटर। 3 सेकेंड के लिए निकाल लिया, 3 सेकेंड के लिए ऐसे करा, 4.5 g आ गया मीटर। इसी टाइप से और निकल जाएंगे, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट अदर ऑब्जर्वेशन, हम अदर ऑब्जर्वेशन भी इसी टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ग्राफ बना दिया, देखो ध्यान करो, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खींची लाइन, 0 है, एक्स एक्सिस पे ले लिया है टी, ठीक है, टी काय में सेकेंड में, और वाई एक्सिस पे हाइट ले ली है, हाइट का मतलब डिस्टेंस, यहाँ पर ये एच हाइट डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सेकेंड बना लिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड निशान लगा दिए बराबर बराबर डिस्टेंस पे, और इधर कितने कितने पे लगाए, जी, 2g, 3g, 4g, 5g, ठीक है, ये लगा दिए। अब देखो ध्यान करो, 1 सेकेंड पर 0.5 g है, ये देखो 1 सेकेंड है, ये है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे 0.5 g यानी g का आधा 0.5, बीचों बीच में, ठीक, ऐसे करके सीध लेते हुए, ये देखो इस टाइप से ये हो गया और ये हो गया, ये लगा दिया, ऐसी जो 2 सेकेंड है उस पर कितना है 2g, 2 सेकेंड पे देखो कितना 2g, ये लगा दिया।
थ्री सेकेंड पे कितना 4.5G, 4 और 5 के ठीक बीच में ये आ गया। अभी इनको फ्री हैंड से ऐसे करके मीट कर दिया, तो ऐसे करके कर्व जैसा आ गया है। स्केल से नहीं करना मीट, हैंड से ऐसे। तो ये पैराबोलिक है पाथ, पैराबोलिक पाथ एक आंसर हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का। वेलोसिटी का देखने के लिए फॉर 1 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड के बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे। v = u + gt फॉर्मूला लगाया आपने, और इसमें u तो जीरो ही है, g ऐसे ही लिख दिया, ये ts की जगह 1, तो g मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यही फार्मूला किसके लिए लगा लिया, 2 सेकेंड के लिए, तो आ गया कितना 2g, 3 सेकेंड के लगाया तो कितना आया 3g मीटर पर सेकेंड। बस सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर वही बना लिया, x एक्सिस पे ले लिया टाइम, और अब की बार y एक्सिस पे ले ली वेलोसिटी, क्योंकि हमने vt ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी ली y एक्सिस पे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो देखो ध्यान करो, 1 सेकंड फिर वही लगा दिए 1 2 3 4 जैसे उस पे लगाए थे, और अब की बार ऊपर वैसी जी 2g 3g 4g ये लगा दिए। ठीक, अब देखो 1 सेकंड पे जी है, देखो 1 पर g है, ये बना दिया, और ऊपर कितना है 2 सेकंड पे 2g, 2 पे 2g, 3 सेकंड पे 3g, और फिर उसको स्केल से मिल रहा है, वो अपने आप ही जब इनको मिलाओगे स्केल से मिलेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक हो गई, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन वाला बनाना है, इसको कर लो आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम बना लेते हैं। देखिए अब एक्सेलरेशन रह गया इसका, एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ थर्ड वाला था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब आप देखो एक्सेलरेशन तो जब बॉडी ऊपर से नीचे फॉल करेगी तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, वो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, सेम रहेगा एक्सेलरेशन 9.8 मीटर कांस्टेंट रहेगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर, फिर अब आप देखें ये हो गया, देखो हमने ये बना लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया है टी यानी टाइम सेकंड में, वाई एक्सिस पे ले लिया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ले लिया, अब एक्सेलरेशन भी हमने क्या लिया है, देखो जी 2g, बट जी काम का है केवल, क्योंकि जी कांस्टेंट लेना है, 1 सेकंड पे भी जी रहना है, 2 सेकंड पे भी जी, 3 सेकंड पे भी जी, 4 सेकंड पे भी जी, जी कांस्टेंट रहना है, तो उनको सबको मीट करा तो ये आ गई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ये वाली टाइम अक्ष, ये देखो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम अक्ष शोज जी इज कांस्टेंट, कि मतलब जी कांस्टेंट है बट टाइम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये इंक्रीज करता जा रहा है, टी इंक्रीज करता जा रहा है, और ये जो जी है वो कांस्टेंट है, ये शो करता है, बस आपने ये बना देना। ठीक हो गया, अब देखो आप अगला, देखो न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल जो है ये एटम बम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वालों को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 99% श्योर पेपर के लिए। पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x = a + bt² वेयर a = 8.9 मीटर, b = 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी इज मेजर्ड इन सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा है वो इस टाइम पर, इस टाइम पर, और व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो x = क्या गिवन है, x = a + bt² ये गिवन है, और इससे हमने पहले वेलोसिटी निकालनी है, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, इससे वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है dx/dt वेलोसिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, dx/dt वेलोसिटी होती है, तो डिफरेंशिएशन आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम बताते हैं आपको फॉर्मूला, हमने एक दिन आपको बताया था डिफरेंशिएशन का, दोबारा देख लो, जैसे क्या फॉर्मूला था, ये जो हमने बताया था डिफरेंशिएशन, न्यूटन ने रिसर्च की थी इसकी, न्यूटन ने डिफरेंशिएशन की। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, एक्स जैसे मान लीजिए आप x^n, डिफरेंशिएशन का मतलब d/dx(x)n, ये फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, x^n का डिफरेंशिएशन यानी d/dx = होता है x की पावर
एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये याद रखना है आपको, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बात समझ रहे हैं, ये हो गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे मान लो हम आपसे कहें एक्स क्यूब, इसका बताइए डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का, तो कितना होगा एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स क्यूब का, तो ये जो पावर होती है थ्री, ये आगे आ जाती है थ्री एक्स की पावर, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर में से, यानी टू, बस ये आंसर हो गया, ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। एक्स की पावर कहीं पर है माइनस टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने आपको बताया जो पावर है वो आगे आ जाती है, यानी माइनस टू एक्स की पावर, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस टू में से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस थ्री आएगा, ठीक है, या ये एग्जाम्पल होगा इसके, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इसका टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, न्यूटन ने बताया, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इस टाइप से चलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर ये है, ये तो डी अपॉन डी एक्स है, ये देखो विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, डी एक्स है तो एक्स, अब मान लो डी अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब, ये कहें ये करके दिखाओ, डी डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब, टी क्यूब का करना है आपकी बात डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी थ्री टी की पावर टू, ठीक हो गया, ये होगा इस टाइप डी अपॉन डी टी, ठीक, देखिएगा ध्यान करें, अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, या खाली डिफरेंशिएटिंग लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू बनना है टी, ठीक है, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, इसका तो क्या लिखा जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स, डी अपॉन डी टी, इसके संग भी डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी बी टी स्क्वायर, बात समझ गए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू करना है टी, तो डी अपॉन ये लगा दिया डी टी, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, ठीक है, ठीक है, इसको तो लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी, इसका टू इसको डी एक्स अपॉन डी टी, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी जीरो हो जाता है, कॉन्स्टेंट का, जब कॉन्स्टेंट अकेला आता है, समझो कॉन्स्टेंट जब अकेला आता है तो उसका विद रेस्पेक्ट टू करोगे टी डिफरेंशिएशन जीरो होगा, जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला होने पे जीरो। अच्छा, जब कॉन्स्टेंट, देखो ये बी भी कॉन्स्टेंट है, बी आया है टी के साथ मल्टीप्लाई में, तो इस बी को छेड़ेंगे नहीं हम, जब कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ आएगा, हमने विद रेस्पेक्ट टू करना है टी, विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है टी करना है डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब टी वेरिएबल है, वेरिएबल ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट जब वेरिएबल के संग मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आएगा तो इसे छेड़ेंगे नहीं, इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तो बी तो ऐसे ही रहा। अब टी स्क्वायर में ये फार्मूला आ गया टू टी, ठीक है, टू टी डी एक्स अपॉन डी टी, यानी वेलोसिटी, यही वेलोसिटी होती है, इसका टू हो गया टू बी टी आ गया, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अब क्वेश्चन को पढ़ो कि कब पूछ रहा है, ए या बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 2 इंटू 2.5 टी, यानी 5 टी आ गया, 5 टी मीटर पर सेकेंड, बात समझ आ गई, ठीक है। अब कब पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, देखो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, तो वी इज इक्वल टू 5 टी है ना, 5 इंटू 0 इसको टू 0 मीटर पर सेकेंड, ये 0 पर पूछा हमने 0 से, एंड एक बार और पूछिए टी इसको टू 2 पर, वेलोसिटी
at t is equal to 2 second. तो v is equal to 5t में ही रखेंगे 5 into 2 10 meter per second. ये देखो आंसर पहला 0 अगला 10 meter per second. आ गया? ठीक है. समझ में आ गया सबको? ये दिया था x is equal to a plus bt square. इसको हमने लिख दिया differentiating with respect to t. ठीक है. RHS में देखा हमने t क्या है? Variable. वैसे भी हमें वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? dx upon dt. वेलोसिटी का मतलब ही होता है dx upon dt. तो हम t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ये फार्मूला हमने आपको बताया x की पावर n का d upon dx करते हैं तो nx की पावर n minus 1 हो जाता है. मतलब ये पावर आगे आ जाती है और फिर x लिख के वो पावर में से 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं. ये डिफरेंशिएशन होता है. तो हमने d upon लगा दिया dt इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी d upon dt d upon dt d upon dt. ये तो हो गया dx upon dt यानी v. ये कांस्टेंट है. a कांस्टेंट का अकेले का डिफरेंशिएशन 0 0. अब b कांस्टेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई में आया तो उसको छेड़ेंगे नहीं ऐसे लिख दिया. और ये जो है ना t स्क्वायर d upon dt ऑफ t स्क्वायर इसमें ये फार्मूला लग जाएगा तो वो 2 जो है आगे आ जाएगा 2 t की पावर 2 में से गया 1 यानी 1. ठीक है 2t तो 2bt हो गया. इसके लिए v लिख दिया v इसको तो 2bt. b गिवन है 2.5 तो 5t मीटर पर सेकंड हो गया. अब उन्होंने कब पूछी है वेलोसिटी t is equal to 0 पर तो इसमें 0 भर दो t की जगह तो 0 मीटर पर सेकंड. एक बार उसने पूछी है कब t is equal to 2 सेकंड पर तो इसी फार्मूले में ये जो t है इसकी जगह रख दो 2 10 मीटर. अब क्या पूछा है देखो आगे बढ़ूंगा. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस एंड दिस. एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है वो. ठीक है एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं. आपको पता है v एवरेज इसका तो होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. ये फार्मूला होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. v एवरेज का एवरेज वेलोसिटी जो है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t के इक्वल होती है. डेल्टा x का मतलब x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1. बात समझ गए होगे x2 minus x1. ठीक है ये x2 x2 का मतलब कब देखो इसने कब पूछी है ध्यान करो इसने कब पूछी है. व्हाट इज द ये पूछी है देखो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 2 सेकंड एंड t is equal to 4 t is equal to 2 t is equal to 4 सेकंड. तो ये लिख देंगे x4 minus x2 upon 4 minus 2. या इसकी वैल्यू 4 है इसकी वैल्यू 2 है. देखो उसने कहा है between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second. 4 में से गया 2 नीचे तो 2 हो गया. ऊपर देख लेते हैं. देखो ध्यान करो x4 x4 की वैल्यू इससे निकलेगी इससे इसमें जो ये है ना t इसकी जगह पे 4 रख देंगे 4 4 का स्क्वायर. और a भी गिवन है ही है a भी दिए हैं क्वेश्चन के अंदर ही. तो x4 निकालते हैं. देखो इससे x4 की वैल्यू a प्लस कितना b into 4 का स्क्वायर. ठीक है ये माइनस x2 x2 की वैल्यू भी इससे निकालो आपके पास रख दो 2 a प्लस b into 2 का स्क्वायर अपॉन 4 में से गया 2 यानी आ गया 2. ठीक है तो ये हो गया 16b माइनस 4b. ऐसे ये काट दिया है हमने ओपन करेंगे ना चलो पूरा कर देते हैं a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b अपॉन 2 a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन 2. ऐसे a कैंसिल 16b में से 4b गया 12b अपॉन 2 यानी 6b. b की वैल्यू हमें पता है कितनी है. b की वैल्यू देखो गिवन है 2.5 तो देखो कितना आ गया अभी 15 मीटर पर सेकंड.
near the pond, 15 meter per second. समझ आई इसको बात स्टेप्स करके आप इसे कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन वाला रह गया था, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी। ठीक है, देखिए ये एटम बम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर को विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग हाइट 25 मीटर, 25 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये देखो आप ध्यान करो, ये एक बिल्डिंग है 25 मीटर हाई, 25 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ से एक स्टोन को ऊपर को फेंक दिया गया ऐसे करके, ठीक है, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर को, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका आपने ऊपर को स्टोन को। ठीक है, क्या कहता है एम है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना ऊपर जाएगी ये बॉल ना, यहाँ से आप खड़े हैं यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग पे, यहाँ से ऊपर को फेंका तो बॉल कह रहा कितना ऊपर जाएगी, कब तक जाएगी, कितनी हाइट ऊपर जाएगी, ए पार्ट में ये बोलता है। ठीक है, देखें आप ध्यान से, देखो ध्यान करो, बॉल जब तक जाएगी, ये बॉल जब तक जाएगी ऊपर, जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, ये आपने तो फेंक दी यहाँ से, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कब तक, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी तब तक। ठीक है, तो इसमें v जो है वो जीरो हो जाएगा, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये जीरो। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी आपने ऊपर को फेंकी है तो कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऊपर को फेंकी, हम यहाँ पर वो नहीं लगा रहे हैं माइनस, हम फार्मूले ही वो लगा लेंगे माइनस वाले। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितना हाइट तक जाएगी, हाउ हाई कह रहा है ना, तो यानी एच निकालना है, एच हाइट, हम यहाँ से ऊपर तक की, जब तक की वेलोसिटी जीरो ना हो जाए हाइट कितनी होगी ये निकालनी है। तो फार्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये देखो फार्मूला ही माइनस वाला लगा लिया हमने, यहाँ नहीं लिया हमने माइनस, ठीक है, हमने फार्मूला माइनस वाला यूज कर लिया, जब ऊपर को फेंकते हैं तो फार्मूला माइनस के लगते हैं। ठीक है, वी स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर माइनस 2 जी, जी की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ जी, देखो ये बात 10, जी की वैल्यू है 10, 10 इंटू एच हमें निकालना है, तो ये हो गया 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10 इसका टू एच, तो इसका मतलब एच इसका टू आ गया 20 मीटर। ठीक है, एच इसका टू 20 मीटर आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट पढ़ो, व्हाट इज द टाइम फॉर हिटिंग द ग्राउंड। अब बॉल जो है ये ऊपर गई, यहां पर पहुंची, मान लो यहां जाकर के वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, आपने तो यहां से फेंक दी मकान की छत से ऊपर को, कब तक गई, जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो गई, और फिर उसके बाद वो नीचे आनी शुरू हो गई, जब वो नीचे आती जाएगी तो यहाँ आके ग्राउंड को हिट करेगी, तो वो कह रहा कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगी, बॉल कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगी। तो इसमें देखो थ्री है टाइम, आप ये मान लो एक बार तो यहां से गई यहां तक का, तो वो निकाल देंगे टाइम, यहां से जब आपने फेंका तो यहां तक कितने टाइम में गई वो निकाल लेंगे, फिर ऊपर से सबसे ऊपर से नीचे तक आई उसमें कितना लगा टाइम ये निकाल लेंगे। ठीक हो गया, बस ये चीज निकाल लेंगे हम, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें आप, सबसे पहले हम इसी का निकाल देते हैं, टाइम फॉर रीचिंग, इसे ए मान लेते हैं पॉइंट को, और इसे मान लेते हैं बी, बी पर वी इसका टू कितना है, जीरो, बी पॉइंट जो है यहाँ पे वेलोसिटी हमने जीरो ले ली है बी पॉइंट पर। ठीक है,
बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो मान लिए और इसे सी ले लिया है, इसे सी, इसको सी, ग्राउंड वाला पॉइंट, ए ऊपर बी नीचे सी, टाइम फॉर रीचिंग ए टू बी, ठीक है, ए टू बी रीच करने का कितना होगा टाइम, तो वी इसका टू लगा दिया यू माइनस जी टी, वी जीरो, यू 20 से फेंका गया था, जी है 10, टी निकालना है, तो टी इसका टू आ गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, यानी 2 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंच गया, ठीक है, 2 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंच गया। अच्छा हाइट कितनी निकाली थी आपने, देखो हाइट निकाली थी कितने मीटर, 20 मीटर, ठीक है, ए बी हाइट इक्वल टू 20 मीटर, ये निकाली थी आपने, देखो ये निकाला कि 20 मीटर हाइट, तो ये बताओ बी सी हाइट कितनी होगी, बी सी हाइट बता दो, 20 प्लस 25 यानी 45 मीटर, ठीक है, अब हम क्या निकाल लें, टाइम फॉर, टाइम फॉर बी टू सी तक का निकालने, टी चलिए बी टू सी तक का टाइम, बी से सी तक आने का, ऊपर से नीचे तक आने का निकालना है, ठीक है, फार्मूला लगा रहे हैं हम, एच स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे को आ रही है तो इसके प्लस वाले फार्मूला लगाए, एच कितना था बताओ, एच अभी निकाला था 45, यू जब ऊपर से गिरना स्टार्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब ऊपर से स्टार्ट होगी जीरो, जीरो इंटू टी हमें निकालना है, हाफ जी, जी की वैल्यू 10 टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू 9 टी इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड आ गया, 3 सेकेंड में बॉल बी से लेकर के सी तक आ जाएगी। अब निकाल देते हैं टोटल टाइम इक्वल टू, ए से तो गई बी पे और फिर बी से आई सी तक, ए से बी पर तक कितना निकाला था हमने टाइम, 2 सेकेंड प्लस, और फिर वो बी से लेके नीचे तक आने का 3 सेकेंड, तो मिला के हो गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का टाइम लगा, समझ में आ गई बात सबको, एटम बम क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 99%, तो ये था स्टेप से आपने करना था, बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया था ऊपर की ओर को, कब तक उसका वो होगा मूवमेंट, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, तो फाइनल वेलोसिटी देखो जीरो लिख दिया है, यू कितने से यहाँ से थ्रो की गई थी 20 मीटर पर सेकेंड से, हाइट निकालनी है या ए बी हाइट कितनी होगी, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया, ये इसलिए लगाया है माइनस, क्यों, क्योंकि मूवमेंट नीचे से ऊपर को है, इस वजह से माइनस वाले फार्मूले लगाए, अगर ऊपर से नीचे को होता तो प्लस वाले फार्मूले लगते, ठीक है, ये लगाया तो इसमें वैल्यू भरी तो एज हाइट आ गई है, हाइट जो थी ए बी कितनी 20 मीटर, एक आंसर हो गया। अब टाइम फॉर रीचिंग ए टू बी, ए से बी तक आने का टाइम निकाल लिया तो आया 2 सेकेंड, अब बी से जब गेंद गिरना नीचे को स्टार्ट होगी सी तक तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी उस समय, ठीक है, जीरो वेलोसिटी होगी तो ये निकाल लिया, देखो हमने यू की जगह जीरो भर के प्लस वाला फार्मूला लगाया क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही है आपकी बात, ठीक है, इसे रख करके 3 सेकेंड आ गया और ये 2 सेकेंड ऊपर से नीचे तक का 3 सेकेंड, 5 सेकेंड में गेंद जो है नीचे तक पहुंचा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना फंडामेंटल, आप बीच बीच में सीखते रहो, देखो ए से गेंद, ए से बॉल को फेंका आपने, एक व्यक्ति ने ए से बॉल को ऊपर फेंका, जितना समय ध्यान रखना, जितना समय ए से बी तक जाने में लगेगा उतना ही समय बी से ए तक आने में लगता है बॉल को, ये फंडामेंटल है, डीप फंडामेंटल, ए से बी तक जाने में जितना समय लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक उतना ही टाइम बी से ए तक आने में लगता है, यानी जाने में लग रहे हैं कितने सेकेंड, 2 सेकेंड, तो बी से ए तक आने में, सी तक नहीं ए तक आने में 2 सेकेंड लगेंगे, एग्जैक्ट बिल्कुल, गॉड गॉड भगवान, ठीक है, इनकी घर की ओर से होता है ये, बिल्कुल एकदम फंडामेंटल। अच्छा एक और फंडामेंटल समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 20 मीटर पर सेकेंड से, देखो 20 मीटर पर सेकेंड से आदमी ने यहाँ से खड़े होकर गेंद को ऊपर फेंका, तो जब गेंद ना उसके हाथ के पास से वो हो रही होगी पास, गेंद ऐसे ऊपर को गई, यहाँ पे से जब नीचे को आएगी वेलोसिटी जीरो,
और जब जीरो होकर के उसके उसके पास से, उस व्यक्ति के पास से गुजरेगी गेंद, उस समय उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी, एग्जैक्ट जितने से गई थी उतने से पास हो रही होगी बिल्कुल उसके पास से। ये फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन को करने में फिजिक्स में आगे काम आएगा। ठीक है, बात समझ गया आप, याद रखना इस बात को। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप कर लो नोट, हम फिर ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम ये देखिए क्वेश्चन, गिवन दैट टाइम टी इक्वल टू, टी इज इक्वल टू क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये गिवन है, वेयर एक्स इज इन मीटर, एक्स जो है मीटर में है, यहाँ पे ये एक्स मीटर में है और टी सेकेंड में है, ये टी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, जब वेलोसिटी कह रहा है जीरो होगी तब डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, ये जो एक्स बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ये बताना है, कब बताना है, जब वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है, क्वेश्चन को डबल एक्स मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, और ये वाला जो इससे नीचे वाला क्वेश्चन आने वाला है ये एटम बम में है क्वेश्चन, और उससे अगला वाला जो है ये भी एटम बम में है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एटम बम है, ये डबल एस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, देखिए आप ध्यान से, इसकी स्क्वायरिंग कर दो ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर इसका टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, एक्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है अंडर रूट एक्स इंटू 3, यानी x प्लस 9 प्लस 6 अंडर रूट एक्स टी स्क्वायर। ठीक हो गया, याद है, बल्कि एक काम करते हैं अंडर रूट एक्स की जगह पर हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर टू एक्स प्लस 9 प्लस 6, ये अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स, इसकी जगह पर लिख दिया टी माइनस 3, इससे आया देखो, इससे ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स की वैल्यू यहां से कितनी होगी, टी माइनस 3, अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी निकलोगे यहां से, टी माइनस 3, तो उस वैल्यू को अंडर रूट एक्स को यहां डाल दिया, यहां अंडर रूट एक्स की वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू, इसे लिख दिया 1, यहां लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3, ये रखते हैं, अभी क्या हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 9 प्लस 60 माइनस 18, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 माइनस 9, यानी एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ठीक है जी, यार डिफरेंशिएटिंग कर दो इसकी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी अपॉन डी टी लगा दो, d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, d अपॉन डी टी ऑफ 60, d अपॉन डी टी ऑफ 9। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग कर दिया, तो d अपॉन क्या लगा दिया, d अपॉन डी टी सबके साथ, ये तो हो गया dx एक्स अपॉन डी टी, यानी वेलोसिटी, ये हमने क्यों करा आप बोलोगे, ये करा क्यों ऐसा, भाई ये दिया था उसको क्यों खाली हमने उसको करा मोड़ा, हमने इसलिए मोड़ा उसे क्योंकि हमें dx upon dt वेलोसिटी निकालनी है। देखो ये कह रहा है, ये व्हेन वेलोसिटी जीरो,
वेलोसिटी इज जीरो, तो पहले वेलोसिटी निकलेगी, उसको जीरो रखेंगे हम वेलोसिटी को, dx upon dt v होता है वेलोसिटी, इस वे से करना पड़ा ऐसा। इसका बताओ 2t माइनस 6 ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये जो है ना t t इसकी हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा 1, देखो आप ध्यान करो, इसकी पावर यहाँ पर है 1, ये जो t है ना इसकी है 1 पावर, 1 आगे आ जाएगी, ठीक है, फिर लिख दोगे t की पावर 1 माइनस 1, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर में से, यानी कितनी आ जाएगी 0, मतलब 1 आगे आया, t की पावर 1 माइनस 1, यानी t की पावर 0 वो 1 होता, वो 1 होता तो 1 हो गया, इसलिए 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई प्लस कांस्टेंट अकेला है, कितना डिफरेंशिएशन होगा 0, तो फाइनली v इक्वल टू हो गया 2t माइनस 6, v इक्वल टू 2t माइनस 6 हो गया, समझ में आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक। अब वो कह रहा है गिवन गिवन v इक्वल टू 0, ये देखो ये गिवन है, व्हेन वेलोसिटी 0, v 0 है तो 0 इक्वल टू 2t माइनस 6, तो इससे t इक्वल टू 3 सेकंड आ गया, इससे 6 को इधर ले आए और फिर उसके नीचे ले गए 2, तो ये आ गया 3 सेकंड, ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकंड आ गया। अब क्या कह रहा है देखो पढ़ो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0, व्हेन वेलोसिटी 0 से हमने निकाल लिया t, इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इक्वल टू 3 सेकंड पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी x निकालना है, अब इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा आसानी से, ठीक है, इस फॉर्मूले से, तो t इक्वल टू कितना था, t इक्वल टू था अंडर रूट x प्लस 3, इसमें रख दो 3 इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3, यानी अंडर रूट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आंसर हो गया, समझ गए बात, x इक्वल टू 0 आ गया, देखो आंसर भी 0 है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, क्लियर है सबको, पहले इसकी स्क्वायरिंग करी हमने, स्क्वायरिंग करके ये आ गया, अंडर रूट x की जगह वैल्यू भर दी, अंडर रूट x की वैल्यू इससे भरी t माइनस 3, ये ओपन कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने से dx अपॉन dt आ जाएगा, वो v होता है, और इसने कहा है वेलोसिटी 0, तो इसलिए वेलोसिटी 0 रखेंगे हम, देखो ये यहां निकाल के वेलोसिटी 0, तब उससे निकलेगा t, वो जो आएगा t उसको यहां रख करके t को x निकाल लेंगे, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और वही हमें निकालना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, इस टाइप से आपने करना है, इसको आप रजिस्टर में नोट कर लो जल्दी, तो फिर हम इसे अगला करेंगे। देखिए अब आप अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, देखो ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, एवरेज स्पीड एटम बम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखें आप, लेट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इक्वल टू एक्स, एक्स सपोज कर ली कि दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस एक्स है, ये देखो ए और बी, इसके बीच की डिस्टेंस है एक्स, ये है एक्स, एक्स डिस्टेंस है ए बी के बीच, क्या कह रहा है, इसका हाफ कर लो सी, हाफ है ये भी x by 2, ये भी x by 2 distance, आधी आधी हो गई, ठीक है, एक कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी x by 2 डिस्टेंस में बिटवीन टू प्लेसेस स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें तो AC में स्पीड कितनी रही 40 किलोमीटर पर आवर, और बाद वाले में कितनी रही स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गई, और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी, तो ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है,
वो है एक्स, ये देखो ए से लेके बी तक की एक्स ही तो डिस्टेंस है। अच्छा फिर टोटल टाइम ये कितना है, एक बार बताओ ए से सी तक कितना लगा टाइम, टाइम इक्वल टू देखो एक फार्मूला आपको आता हुआ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करी आपने तो टी इक्वल टू कितना आ गया एक्स अपॉन वी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस बारे में बताओ पहले ए से सी तक में, ठीक है तो टी कौन सा वाला टी ए सी प्लस टी कौन सा वाला बी सी वी, टी सी टी ए सी टी सी वी, ये कितना है बताओ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस तो एक्स वाई टू और स्पीड कितनी है इसमें 40 प्लस वो डिस्टेंस फिर एक्स वाई टू ये वाली भी स्पीड कितनी है 60, इस फार्मूले से चल रहा है इस फार्मूले, समझ रहे इसका निकाल दिया टाइम ए सी का और सी बी का या तो ये कितना हो गया एक्स अपॉन 80 प्लस एक्स अपॉन 120, एलसीएम ले लो आप कितना एलसीएम आ गया 240, 3x प्लस 2x 5x अपॉन 240 हमें निकालनी है वी एवरेज, इसका तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस कितनी है देख लो टोटल एक्स और ये कितना है टाइम 5x अपॉन 240, एक्स से एक्स कैंसिल 240 अपॉन 5 48 किलोमीटर पर आवर, आंसर भी देखो लिखा है 48 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्लास क्वेश्चन, खूब अच्छी तरह से आप इसे प्रिपेयर करेंगे। ये वाला बताते हैं, इसको आप रजिस्टर पर नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन बताते हैं बाद में, इस क्वेश्चन को देखें हम लोग क्या कहता है देखो, एटम बम क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यह है ए यह है बी, ए से बी तक डिस्टेंस है गिवन, डिस्टेंस गिवन है नहीं है तो एक्स सपोज कर लो लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स, एक्स है डिस्टेंस, स्पीड कितनी है जब गया इधर को गया जब जाने की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है और जब आया बी से फिर ए पे आया तो स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, आते समय है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है कमिंग बैक की कमिंग बैक हुआ जब तो 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आया बी से ए पे, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसको तो क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है तो लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इसको टू एक्स, ठीक है एक्स डिस्टेंस है, पहले हम क्या लिखते हैं टाइम फॉर गोइंग ए टू बी, ठीक है टी ए बी इसका टू कितना होगा बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है कितनी 40 एक्स अपॉन 40, टाइम फॉर कमिंग बी टू ए टी बी ए आने का आपके पास टाइम एक्स अपॉन 60 क्योंकि डिस्टेंस तो वही है एक्स, स्पीड आते समय है 60 तो ये हो गया, नीचे लिखो टोटल टाइम इसका टू टी ए बी प्लस टी बी ए एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स अपॉन 60 एलसीएम ले लो 120 3x प्लस 2x 5x अपॉन 120 ये आ गया
हमें निकालनी है वी एवरेज, एवरेज स्पीड लिख देते हैं पूरा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो थी कितनी, x गया और x आया, यानी कितनी डिस्टेंस हो गई 2x, बात समझ गए, ये डिस्टेंस x तो गया और x ही आया तो टोटल डिस्टेंस 2x। अच्छा ये बताओ टाइम 5x अपॉन 120, तो ये हो गया 2 इंटू 120 अपॉन 5, 2 इंटू 48 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड, ये देखो 48 आंसर आ गया। समझ गए बात, ये समझ गया डिस्टेंस कैसे हुई, x गया और x आया तो ये हो। अब क्या कहता है एवरेज वेलोसिटी, देखें आप ध्यान करें, एवरेज वेलोसिटी इसका टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट है जीरो, जीरो कैसे हो गया भाई, ए से बी पे गया और बी से फिर से ए पे आ गया, तो जहां से गया था वहीं आ गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जीरो, ठीक है। तो जीरो अपॉन कुछ भी लिख दोगे नीचे, ठीक है, टी इसका टू जीरो हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, टी वैसे जितने में गया जितने में आया तो ये है वो, तो क्या कहना चाहिए 5x अपॉन 120, ठीक है, लिख भी सकते हैं हम यहाँ 5x अपॉन 120, ठीक है, जीरो आ गया, जीरो अपॉन समथिंग इसका टू जीरो। इसे देखिए आप क्वेश्चन को, टेक ए रूलर, रूलर ले लिया आपने स्केल जो होता है, एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब, थंब और जो आपकी फोर फिंगर होती है उसके बीच में जो गैप है उसमें उसे वो कर दो, छोड़ दो, गिरा दो, ठीक है। आफ्टर यू कैच इट, आपने उसे कैच कर लिया, द डिस्टेंस इज, जो डिस्टेंस है जो गिरा एच, डिस्टेंस गिरा एच स्क्वायर टू वह है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, जो डिस्टेंस गिरा। एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम, हमें निकालना है टी, कितने समय में वो गिरा, ठीक है, ये निकालना है, और जी स्क्वायर टू तो होता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच स्क्वायर टू होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 21 अपॉन 100, इसे मीटर में कर लिया हमने इस समय, यू ठीक है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी गिराएगा जब वो तो जीरो होगी, यू जीरो होगा इनिशियल वेलोसिटी, छोड़ेंगे जब उसे गिराएंगे जीरो, टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इससे कट गया 4.9 बार, टी स्क्वायर स्क्वायर टू 21 अपॉन 100 इंटू 4.9, 21 अपॉन 490। सॉल्व कर देना आप इसे, आ जाएगा 0.2 अंडर रूट 3 अपॉन 70, 0.2 सेकेंड, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। देखिए नया क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट
कोई बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, रेस्ट से, तो स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगनिंग विद यूनिटी, ठीक है, बिगनिंग विद यूनिटी ये कहना चाहता है कि डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाई ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से फॉल करना शुरू हुई, स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगनिंग विद द यूनिटी, कोई बॉडी ऊपर से फॉल करना शुरू हुई, तो हमने ये प्रूफ करना है कि S1, S2, S3 is equal to 1 ratio 3 into 4 into 7 ratio में होगा। अब S1, S2, S3 ये क्या है? देखो ध्यान करो। We have to find S1 ratio, S2 ratio, S3 ratio and so on। ये निकालना है, ठीक है? ये निकालना है। ये है क्या? S1 ratio, S2, S1, S2, S3 and so on are the distances, ये distances हैं, in कौन कौन से में, किस second में, 1th second, ठीक है, second में, 3rd second में and so on, सेकेंड्स, बात समझ आ रही है, डिस्टेंसेस है, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में, ठीक है, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में, दो सेकंड में डिस्टेंस अलग होती है, दो सेकंड में, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी जो है यहाँ से फॉल करना शुरू हुई, ध्यान करें आप, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉल करने में 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक फॉल करी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फॉल करी 2 सेकंड में, तो ये जो हमने लिया है ये S2, S2 ये नहीं है यहाँ से यहाँ तक की, केवल ये दूसरे सेकंड में है, कहीं पे 1 सेकंड पूरा हुआ होगा, यहाँ पे 1 सेकंड पूरा हो गया होगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेकंड लगा, तो जो दूसरा सेकंड है उसमें डिस्टेंस जो है ना वो है S2, केवल दूसरे सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड में नहीं, 2th सेकंड, 2th सेकंड अलग होता है, ठीक है, दूसरा सेकंड, ऐसी वो थर्ड से S3 जो डिस्टेंस है वो थर्ड सेकंड में है, थर्ड सेकंड में ओनली, 3 सेकंड में नहीं, थर्ड सेकंड में, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, C तक जाने में 3 सेकंड लगा, ए यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड, तो ये यहाँ ये वो नहीं है डिस्टेंस ये S3, बल्कि जो थर्ड सेकंड लगा, थर्ड सेकंड, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस है, बात समझ आ रही है, तो अब देखो आप हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, we have to find S1 ratio, S2 ratio, S3, अब बोलोगे S1, S2, S3 क्या है, तो S1, S2, S3 are the distances, in distances हैं, S1 तो है कौन से में, पहले सेकंड में, S2 है दूसरे सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में नहीं, दूसरे सेकंड में, 2th सेकंड में, और S3 है तीसरे सेकंड में, यानी 3rd सेकंड में डिस्टेंस, 3 सेकंड में नहीं, 3rd सेकंड में, ठीक है, तो हम पहले इनको निकाल लेते हैं डिस्टेंसेस को, u स्क्वायर टू है यहाँ 0, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है, अब फार्मूला जो है इससे निकाल लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से फॉल कर रही है बॉडी, तो फार्मूला क्या होता है, h स्क्वायर टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, फ्री फॉल कर रही है बॉडी, तो फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए निकालेंगे, ये जो h है, h इक्वल टू 0 into 1 प्लस हाफ g, ऐसे लिख देंगे, t स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, g by 2 आ गया, अब फॉर, तो अब इससे हाफ वाला था हम वो लिख लेते हैं s1, S1 लिख लेते हैं, S1 हो गई जी वाई टू, देखो जो 1 सेकंड में डिस्टेंस होगी ना, ये 1 सेकंड में डिस्टेंस, ठीक है, पूरे 1 सेकंड में, वही S1 हो जाएगी, 1th सेकंड में भी वही होगी, स्टार्टिंग है ये स्टार्टिंग है, 1th सेकंड में भी वही होगी, 1 सेकंड में भी वही होगी, ठीक हो गया, S1 इज इक्वल टू जी वाई टू, अब फॉर हम लिखेंगे 2 सेकंड,
पूरा शुरू से लेकर के 2 सेकंड तक की डिस्टेंस निकालेंगे इससे, तो h इज इक्वल टू 0 इनटू 2 प्लस हाफ g 2 का स्क्वायर, यानी आ गया 2। ये आई कौन से 2 सेकंड की डिस्टेंस, हमें ये नहीं लेनी है, हमें लेनी है h2। h2 हो जाएगी कितनी, 2g माइनस gy2, जो 1 सेकंड की डिस्टेंस थी ना gy2, ये सबट्रैक्ट कर देंगे हम तो निकलेगी h2, यानी कितनी आ जाएगी ये 3y2g। ये बात समझे, ये जो हाइट आई है डिस्टेंस आई है 2g, ये 2 सेकंड की है, पूरे शुरू से लेके 2 सेकंड तक की, हमें 2 सेकंड की नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है दूसरे सेकंड की, तो जो फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस थी उसे सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड की देखो, फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करा तो दूसरे सेकंड की डिस्टेंस आ गई 3y2g, क्लियर है बात। अब हम निकालते हैं फॉर 3 सेकंड, h इज इक्वल टू 0 इनटू 3 प्लस हाफ g 3 का स्क्वायर 9/2g। अब h3 लिख लेते हैं, h3 हो जाएगी 9/2g माइनस तीसरे सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है तीसरे की, तो हम ना शुरू से 3 सेकंड की जो डिस्टेंस है उसमें से 2 सेकंड की डिस्टेंस सबट्रैक्ट करेंगे, पूरे 2 सेकंड की, 2 सेकंड की मतलब कौन सी, ये वाली, ये 2 सेकंड की डिस्टेंस 2g सबट्रैक्ट कर दो, बात समझ गए। तीसरे सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है तो पूरे 3 सेकंड की डिस्टेंस में से 2 सेकंड की डिस्टेंस सबट्रैक्ट करो, और 2 सेकंड की डिस्टेंस ये है, ये नहीं, ये तो दूसरे सेकंड की डिस्टेंस है पूरे 2 सेकंड की, तो तीसरे की आएगी, तो ये कितनी हो गई आपके 5/2g। बट सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट अदर डिस्टेंसेस, ठीक है, तो s1 रेशियो, s2 रेशियो, s3 रेशियो एंड सो ऑन, इसका 2 हो गया, s1 कितना था gy2 रेशियो, s2 कितना था 3y2g रेशियो, 5y2g रेशियो एंड सो ऑन, ठीक है, g गायब कर दो, 1y2 रेशियो, 3y2 रेशियो, 5y2 रेशियो एंड सो ऑन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1:3 रेशियो, 5 रेशियो एंड सो ऑन, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत ध्यान से सोच समझ करके क्वेश्चन को बार बार रीड करके और ये आपने स्टेप से करके करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल एस मार्क कर लो क्वेश्चन को।